मंदिर के अंदर बुद्धा का स्टैचू भी बना दिया है, बहुत बड़ा सा भाई। मंदिर के अंदर फ्लाइट बनी हुई है और ट्रेन भी बनी हुई है भाई। चरण पादुका बाबा श्याम की, सारे कड़ी धूप में भी अभी लाइन के अंदर लगे हुए हैं। और अपनी बोल खाटू नरेश की जय। तो भाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। सो भाई फूलों की बारिश हो रही है, फूलों की बारिश देख के समझ गए होंगे। तो भाई आज हम आए दिल्ली धाम खाटू श्याम जी मंदिर में और यहाँ पे आपको कराने वाले हैं सारे दर्शन। और मैं आया हूँ भाई गौरव भाई के साथ और आज हम दोनों मिलके अंदर जाके दर्शन करने वाले हैं और आपको भी वीडियो के अंदर कराने वाले हैं। तो वीडियो को भाई पूरा एंड तक देखना, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। फटाफट से अंदर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अंदर। तो भाई बाइक और कार की पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पे और आप लगा सकते हो। हमको भाई ये पार्किंग फ्री मिली है, बाकी मंदिर के अंदर भी है पार्किंग। भाई यहाँ से होने वाली है एंट्री बाबा के दरबार में और ये ऐसे घूम घूमते हुए आपको सीधा अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई ये देखो यहाँ पे लाइन कितनी ज़्यादा लंबी लगी हुई है इस टाइम पे और पूरा देखो दोपहर का टाइम हो रहा है और सारे कड़ी धूप में भी अभी लाइन के अंदर लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो भाई कितनी ज़्यादा लंबी लाइन, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो भाई ये देखो लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी अभी बाबा के दर्शन के लिए। और आज संडे भी है तो काफ़ी दूर तक ये लाइन लगी हुई है और ये जो है एंट्री और एग्ज़िट है स्पेशली जो ट्रस्टी वाले बंदे हैं उनके लिए। बाबा श्याम की भाई ये है चरण पादुका बाबा श्याम की और भाई इनके दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ से। कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी बड़ी लग रही है भाई, मन गदगद हो गया इसको देख के। सो भाई यहाँ पे मिल सकता है प्रसाद आपको, 50 रुपए का जो डिब्बा होता है वो मिलेगा, कुछ इस तरीके से ये डिब्बा होता है और आप चढ़ा सकते हैं इसको अंदर। सो भाई ये देखो ये है बाहर से मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है, काफ़ी बड़ा मंदिर ये बना रखा है इस टाइम पे और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं के लिए जगह बनाई हुई है और साइड में लगी हुई है लाइनें। देखो किस तरीके से अभी भीड़ लगी हुई है लाइन में, सब अपनी फूल माला गुलाब लेके वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। और कितनी कड़ी और इतनी और भाई इतनी कड़ी धूप के अंदर भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बाबा श्याम के लिए। भाई यहाँ पे लगी हुई है लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी और ये जो लाइन है ये बाबा के चरणों में प्रसाद चढ़ाने के लिए लगी हुई है यहाँ से। और यहाँ से जो है साइड से अगर आप आते हैं तो डायरेक्ट आप एंट्री करके बाबा के दूर से दर्शन कर सकते हैं, ना कि पास जाके। तो भाई VIP जो एंट्री हो रही है वो ऊपर से हो रही है और जो नॉर्मल बंदे हैं वो नीचे से आ रहे हैं और ये सीधा होते हुए डायरेक्ट बाबा के दर्शन करेंगे। और ये देखो कितना खूबसूरत झंडा लग रहा है, ध्वज जो बंदे लेके आए हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये लो भाई बाबा श्याम जी के दर्शन कर लो आप घर बैठ के यहाँ से, वहाँ पे आ नहीं सकते तो घर बैठ के ही आप यहाँ से कर लो। और यहाँ पे देखो अभी भी लाइन लगी हुई है भक्तों की, फूल वगैरह जब जो प्रसाद वगैरह लेके आए वो यहाँ पे चढ़ा रहे हैं अपना और इसके बाद भाई आगे जाके बाहर से घूम के एग्जिट हो जाता है। लाइन लगी हुई है प्रसाद के लिए, जब आप दर्शन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा। भाई ये देख लो यहाँ पे सबने अपने ईंटों से घर बनाए हुए हैं और ये अपनी मान्यता से भाई अपने अपने घर बनाते हैं, 2 फ्लोर 3 फ्लोर का अपना पेंट हाउस जो भी बनाना है आपकी मान्यता है वो आप यहाँ पे बना दो और ताकि आपकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाए। तो ये मंदिर के साइड में ही आप जब एग्जिट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे ऊँट राइड वगैरह भी मिल जाएगी, 20 रुपये कितने भैया, 30 रुपये राइड के। भाई मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं इतनी दिनों बाद आया हूँ ना तो मंदिर और भी ज़्यादा बड़ा हो गया और नई नई चीज़ें यहाँ पे बन रही है। अभी देखो वहाँ पे फ्लाइट बना रखी है भाई, वहाँ पे एरोप्लेन खड़ा कर रखा है पूरा का पूरा। और यहाँ पे भाई अभी भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगा दी हैं, झांकियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे झांकियाँ वगैरह बनेंगी। भाई मंदिर के अंदर बुद्धा का स्टैचू भी बना दिया है बहुत बड़ा सा, देखो यहाँ पे आके सब फोटो वगैरह ले सकते हैं। और ये बिल्कुल मंदिर के साइड में बना दिया गया है और यहाँ पे बनाया हुआ है एरोप्लेन। भाई एरोप्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आई डोंट नो, बट पैर जल रहे हैं फिलहाल तो।
भाई मंदिर के अंदर फ्लाइट बनी हुई है और ट्रेन भी बनी हुई है भाई, और ट्रेन के साथ साथ भाई पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन स्टिल चल रहा है, और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है रेलवे जंक्शन रेस्टोरेंट। ओ अच्छा, तो ये रेस्टोरेंट बनने वाला है, तो भाई फ्लाइट रेस्टोरेंट और रेलवे रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाएंगे, रेलवे वाली थीम रखने वाले हैं और प्रॉपर भाई रेलवे वाला फील दे रहे हैं। अभी स्टिल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब ये बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा आई थिंक। और अंदर देखो टेबल वेबल भी दिख रहे हैं मुझे शीशे के अंदर से देखा जाए तो, और यात्री पहले से ही बैठ गए हैं यहाँ पे, इंतज़ार कर रहे हैं स्टेशन का, स्टेशन पे ट्रेन आने का। ट्रेन आ गई है भाई, जाओ अपना भाई साहब, क्या करें, बस बैठे, कुछ मिल नहीं रहा फिलहाल लाइन कुछ भी। तो भाई यहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग भी बना रखा है बहुत बड़ा मंदिर के अंदर, और यहाँ पे भाई नंदी जी की वो मूर्ति लगा रखी है, बिठा रखी है साइड में ही, और काफी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है लग रहा है, और काफी सुंदर ये मंदिर बनने वाला है जल्दी। भाई यहाँ पे भी लोगों ने पत्थरों से घर बनाया हुआ है, ये थोड़ा आगे जाके इन्होंने अलग तरीके से भी बनाए हुए हैं। भाई मंदिर से दर्शन करके आओगे तो वहाँ पे साइड में खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे फास्ट फूड दिख रहे हैं खाने पीने के लिए, और यहाँ पे साइड में एक छोटा सा भोजनालय 70 रुपये की जहाँ पे थाली मिल जाती है वो बना रखा है, और यहाँ पे देखो किस तरीके से रोटियाँ आ रही है इस टाइम पे, और प्रॉपर भोजनालय यहाँ पे बना रखा है। ओ भाई मशीन बना रखी है रोटी के लिए, सही है, क्या बात है। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है गो माता परिक्रमा, और यहाँ से घूमते हुए आपको गोल गोल घूमना है, और यहाँ पे काफ़ी सारी गाय माता लगी है यहाँ पे, और इनको आप चारा वगैरह भी दान कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, आप पंडित जी से बात करके पूछ लीजिएगा चारा वगैरह कहाँ मिलता है, तो आप इनको चारा भी दान कर सकते हैं। तो ये पूरी परिक्रमा है यहाँ से घूमते हुए, और वहाँ तक आपको आना है। तो भाई यहाँ पे बनाया हुआ है गोवर्धन धाम, जहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को हाथ में लिया हुआ है, और उसकी झांकी यहाँ पे एक तरीके से दिखाई गई है, और उसको गोवर्धन धाम के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और उसके सामने भाई श्रद्धालु लोग फोटो खिंचा रहे हैं मस्त एकदम, और ये आपको भाई खाने पीने की जो जगह है उसके सामने ही आपको ये मिल जाएगा, और साथ में ही भाई घंटियाँ वगैरह जो गौशाला की जो परिक्रमा है वो मिल जाएगी। भाई टाइम अभी दोपहर के 1 बज रहा है, और श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी लगी हुई है इतनी ज़्यादा, और अभी भी श्रद्धालु अच्छे खासे भीड़ से आ रहे हैं, और लाइन अभी भाई उतनी की उतनी है, लाइन में भाई मेरे को कोई भी कमी नहीं दिख रही है। और भाई यहाँ पे लगा हुआ है मार्केट, जहाँ आपको ध्वज वगैरह लेने हैं, छोटे बच्चों के खिलौने और मूर्ति वगैरह लेनी है बाबा जी की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी खाटू श्याम बाबा की, और ध्वज यहाँ पे मिल रहे हैं भाई काफ़ी सारे, और ये आपको उसके नीचे से आना पड़ेगा, जो सीढ़ी बनी है उसके नीचे से अगर आप आओगे तो ये सारा का सारा यहाँ पे मार्केट लगा, और खाने का भी थोड़ा मोड़ा यहाँ पे है। तो भाई अभी हमारे पीछे एग्जिट आ चुका है मंदिर का, और अब हम जा रहे हैं वापस, और मंदिर में काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमारे, और काफ़ी मज़ा आया अंदर, बहुत खाना पीना सब हो गया हमारा। हाँ, हमने खाना पीना भी खा लिया अंदर, और अब चल रहे हैं घर पे अपने, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रॉब्लम है, हम जब आ रहे थे ना, हमने देखा कुछ लोग खाना लेके आए, हमें समझ नहीं आया वो खाना क्यों लेके आए। भाई खाना अपना दूर से आते हैं ना जो लोग, वो खाना वगैरह लेके आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इतना ही रखते हैं वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।